मॉर्निंग का वक्त आज अपन पढ़ेंगे वाक्य रचना। वाक्य रचना की परिभाषा, सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का वह समूह जो किसी भाव और विचार को प्रकट करता है या व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य। अर्थात शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। और वाक्य के तत्व देखना, नंबर एक सार्थकता, नंबर दो आकांक्षा, नंबर तीन योग्यता, नंबर चार निकटता, नंबर पांच कार्यक्रम और नंबर छह अन्वय। तो ये हो गया आपके वाक्य के तत्व। और सार्थकता, किसी भी वाक्य में है वह सार्थकता होनी आवश्यक है। बिना सार्थकता लिए वो वाक्य है वह अधूरा रहता है या पूर्ण नहीं बनता है, जिससे उसमें भाव या विचार वह प्रकट नहीं होते। इसलिए वाक्य में क्या होनी चाहिए? सार्थकता। नंबर दो आकांक्षा, वाक्य में एक पद सुनकर दूसरे पद को सुनने की जो इच्छा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आकांक्षा। अर्थात वाक्य में एक पद सुनना, जैसे कि वह जा रहा है, अर्थात आगे अपने को इच्छा ये प्रकट हो रही है या जिज्ञासा बन गई, उत्कंठा हो रही है कि कहाँ जा रहा होगा ऐसे, तो ये क्या हो गई? आकांक्षा। तब वो वाक्य पूर्ण होता है। योग्यता, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द अर्थ प्रदान करने में सहायक होता है। योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि वाक्य में जैसे किसान लाठी से फसल काटता है, ये क्या है? ये शब्द है वह अपने आप में गलत एक तरह से, क्योंकि किसान किससे फसल काटेगा? लाठी से नहीं, किससे काटेगा? हसीये से। इसलिए वाक्य में क्या होनी चाहिए? योग्यता, जो चीज है वही आनी चाहिए। किसान किससे काटेगा? हसीये से फसल काटेगा। इसलिए वाक्य में क्या होनी चाहिए? योग्यता। योग्यता कब आएगी? जो उसका काम में आने वाला हथियार है या काम में आने वाली जो चीज है वही आएगी शब्द में, वाक्य में, तो ही उसमें क्या आएगी? योग्यता। अब नंबर चार पे निकटता, एक शब्द या पद के उच्चारण के तुरंत बाद ही दूसरे शब्द या पद के उच्चारण की निकट, उसे हम क्या कहते हैं? निकटता। जैसे कि मैं बाजार गई, तो इसमें मैं फिर रुक के, फिर बाजार, फिर रुक गई, फिर गई, इस तरह से अगर होगा तो ये क्या होगा? इसमें निकटता नहीं बनेगी, बाकी में निकटता नहीं बनेगी। इसको निकटता रखने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? मैं बाजार गई, तो रुक रुक के नहीं बोलना। ये क्या होगी? पदों में निकटता होगी जरूरी है। इस तरह से अगर हम दूर दूर लिखेंगे या रुक रुक के बोलने जाएंगे तो वाक्य अपना स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए वाक्य में क्या होनी चाहिए? निकटता। नेक्स्ट पदक्रम, वाक्य में प्रयुक्त पदों या शब्दों की विधिवत स्थापना को क्रम या पदक्रम कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, ये वाक्य सही है, लेकिन अगर इसकी जगह पुस्तक मैंने पढ़ी इस साइड से आ जाए तो ये पदक्रम सही नहीं माना जाता है। तो वाक्य में क्या होना चाहिए? पदक्रम भी होना आवश्यक है। अब देखना अन्वय, वाक्य अनेक पदों का समूह होता है, जैसे लिंग, वचन, कारक आदि के बेस पे है वह वाक्य बनता है, तो उसकी भी सार्थकता होनी आवश्यक है। जैसे लिंग, वचन, कारक का होना आवश्यक है। इस तरह से वाक्य में अन्वय होना भी आवश्यक है। इस तरह से अपने वाक्य के तत्व के छह भेद होंगे, सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, निकटता, पदक्रम और अन्वय। अब है वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, और वाक्य के अंग है वह दो है, एक तो उद्देश्य, नंबर दो विधेय। उद्देश्य, उद्देश्य वह है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है।
विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेयरी बाजार गया, डेयरी बाजार गया, इसमें उद्देश्य कौन है? डेयरी। और बाजार गया क्या होगा? विधेय। तो वाक्य में जिसके विषय में, इसके विषय में, हेरी के विषय में कौन गया? बाजार, हेरी। हेरी के विषय में क्या हो गया? हेरी क्या हो गया? उद्देश्य। और बाजार गया क्या है? विधेय। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा गया उसे क्या कहते हैं? विधेय। इस तरह से अपना ये वाक्य रचना में बाकी के अंत तक का टॉपिक वह समाप्त होगा।